हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जोसा के कट ऑफ के बारे में। तो ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज कर दिया गया है जोसा के वेबसाइट पे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक बताने वाला हूँ आप सभी को, IIT, NIT, IIIT और GFTI के। और इसमें जो आपके राउंड वाइज होंगे, टोटल 6 राउंड हुआ है। आपको भी पता है जोसा का जो काउंसलिंग हुआ वो 6 राउंड में हुआ है। तो सारे राउंड के कट ऑफ अवेलेबल हैं कैटेगरी वाइज, जनरल, SC ST, OBC और जनरल EWS। तो सारी कैटेगरी के जो रैंक है, ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक, ब्रांच वाइज सारे NITs, IIITs के अवेलेबल है। तो आप इजीली इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरह से चेक कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोज़ की अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर सर्च कर लो @PallavasuFilm। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपको कट ऑफ अपने से चेक करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है। तो सिंपली आपको ORN CR इन 2020 की देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करना है। अगर आप 19 या फिर 2016, 17, 18 की चेक करना चाहते हो तो ईजिली चेक कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक सारे राउंड के, राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक का। तो ये ऑफिशियल कट ऑफ है। देन यहाँ पे ऑल है, मतलब NIT, IIIT, GFTI, IIT, उन सभी के देख सकते हो। मैंने NIT सेलेक्ट किया है। देन मैंने यहाँ पे सारे NITs के दिए हैं, तो मैंने NIT कालीकट सेलेक्ट किया है। देन यहाँ पे सारे ब्रांच है, जो भी NIT में जो भी ब्रांच है, सारे ब्रांच अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया है। देन ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो सिंपली आपको कोटा मिल जाएगा, होम स्टेट कोटा, सीट टाइप, कौन से कैटेगरी, देन जेंडर, कौन सा जेंडर है, जेंडर न्यूट्रल या फिर फीमेल ओनली, उन सभी के कट ऑफ अवेलेबल है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक पूरा डिटेल में है, ब्रांच वाइज कौन से ब्रांच के आप चेक करना चाहते हो इजीली। देन आप देख सकते हो होम स्टेट, अदर स्टेट दोनों जो कोटा है उसके लिए भी अवेलेबल है। देन सीट टाइप, जो आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज उन सभी कैटेगरी की अवेलेबल है। देन जेंडर न्यूट्रल के भी अवेलेबल है, चेक कर सकते हो आप इजीली। अब आइए चेक करते हैं नेक्स्ट, जो कि देख सकते हो राउंड 4 की। तो टोटल राउंड 6 हुआ था, टोटल 6 राउंड के भी अवेलेबल कर दिए गए। इंस्टीट्यूट टाइप, मैंने IIT यहाँ पे सेलेक्ट किया है और IIT खड़गपुर की मैं अब चेक करने वाला हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में। देन सबमिट करते हैं। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जो इनका ऑफिशियल कट ऑफ वाला पेज है वो रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सा ब्रांच में और कौन सा IIT में क्या कट ऑफ रहा है। सीट टाइप, ओपन कैटेगरी देख सकते हो, ओपन PWD, EWS, OBC, NCL, OBC, NCL, SC, ST, तो सारे कैटेगरी के अवेलेबल हैं। जेंडर न्यूट्रल, फीमेल ओनली दोनों के अवेलेबल हैं। देख सकते हो यहाँ पे, जो देख सकते हो जेंडर न्यूट्रल में ओपनिंग रैंक है 1128 है और क्लोजिंग रैंक 1511 है। इसी तरीके से आप सारे कैटेगरी के देख सकते हो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। आपको एक और बात बता दूँ, ये ऑफिशियल कट ऑफ है तो इसको आप चेक कर सकते हो वेबसाइट पे। देन राउंड 5 सेलेक्ट किया मैंने और ये GFTI की है, तो सिंपली GFTI के भी आप देख सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान की। देन इसमें मैंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच सेलेक्ट किया और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, कंप्यूटर साइंस ब्रांच सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान की आ गई। ऑल इंडिया कोटा में यहाँ पे अवेलेबल है, ओपन कैटेगरी, ओपन PWD, EWS, OBC, NCL, SC, ST, सारे के रैंक यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक अवेलेबल है। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप अगर 2021 में एग्जामिनेशन देने वाले हो तो आपको क्या रैंक पे कौन सा NIT या फिर IIT या फिर IIIT, GFTI मिल सकता है। देन लास्ट राउंड नंबर 4 मैंने सेलेक्ट किया, 5 भी सेलेक्ट कर सकते हो या फिर जो भी राउंड का चेक करना है सिंपली सेलेक्ट करोगे। देन मतलब जो IIIT है उनकी है, IIIT हिमाचल प्रदेश मैंने सेलेक्ट किया है। देन कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड देन सबमिट। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे उनका जो डेटाबेस है वो क्लियरली आ जाएगा और आप देख पाओगे कि IIIT हिमाचल प्रदेश में कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच है उसके लिए क्या रैंक आपको चाहिए होगा। तो ऑल इंडिया कोटा में ओपन कैटेगरी जेंडर न्यूट्रल 20,100 से लेकर 26,812 तक के बीच में गया है। देन जेंडर न्यूट्रल ये सारे देख सकते हो, कैटेगरी वाइज ईजिली सारा डेटा उपलब्ध है। इसके अलावा अगर आप 2019 या फिर 18 के चेक करना चाहते हो तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।